मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, मदरसा, माँ ममता, मंगलसूत्र, मटन, मछली, मैं, मेरा 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 करते करते अब साहब मुजरा तक पहुंच गए हैं। माँ अक्षर से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है माननीय को। देखिए बीजेपी की जीत की राह इतनी आसान तो दिख बिल्कुल नहीं रही है। तभी तो प्रधानमंत्री अपने 10 साल में किए सो कॉल्ड विकास पर वोट ना मांग कर इंगे उंगे, यानी कि हमारे बुलंदशहर में इधर उधर को इंगे उंगे कहते हैं लोग, के इंगे उंगे की बात मत कर। तो पीएम मोदी इंगे उंगे की बात कर जनता को अपनी बातों में उल जजूल जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और गेम चल रहा है दोस्तों। दरअसल एग्जिट पोल में भाजपा फंसती नजर आ रही है। इसके बावजूद भाजपा नेताओं के अगली बार सरकार बन जाने पर ये कर देंगे वो कर देंगे जैसी महत्वपूर्ण जुमला सूची भी अब लगभग तैयार हो चुकी है। छोटे मोटे नेताओं, विधायकों, सांसदों के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी की वो बात दोहरा दी है जिसमें पार्टी बार बार चुनावों को खर्चीला बताते हुए वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा छोड़ ही देती है, छोड़ती आई है। इसके अलावा जब सब जगह अटकलों और उम्मीदों का ही बाजार सजा है, तब हमें लगा कि उस बाजार का भी जिक्र किया जाए जहां एक एक सीट और पूरे देश पर ही दांव पूरा लगा हुआ है। जी हां, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में इन तमाम मुद्दों पर बात होगी, सर्वेस पर बात होगी, बीजेपी के नेताओं के बयानों पर बात होगी, सट्टा बाजार पर बात होगी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सैफी का शो। राजनाथ सिंह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा अगर सरकार में दोबारा आती है तो वो देश में वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था को लागू करेगी। ये खबर वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन जब दांव पर पूरा ही देश लगा हो तो कोई भी व्यवस्था कैसी होगी ये सोचना भी अभी इसका वक्त नहीं है। अब देखिए राजनाथ सिंह ने कितनी बड़ी बात कही है, वन नेशन वन इलेक्शन, अब ये लागू होगा तो क्या होगा। तो अब सुनिए, अगर ये सिस्टम लागू हो गया तो क्या क्या हो सकता है। केंद्र में कोई भी सरकार बैठी हो और उसे ये डर ना हो कि हमारे इस फैसले से हम फलाने राज्य में होने वाला चुनाव हार जाएंगे, तो वो तानाशाही वाले फैसले लेना शुरू कर देगी। अब कुछ उदाहरण देखिए, कृषि के जो काले कानून थे 3, वो इसलिए वापस लिए गए थे कि इनकी वजह से भाजपा उत्तर प्रदेश का चुनाव हार सकती थी। अगर चुनाव ना होते तो काले कानूनों का वापस होना बहुत मुश्किल था। कोई भी सरकार को अगर उसके मन से ये डर खत्म हो जाए कि राज्य के चुनाव हार सकते हैं इस फैसले से, तो वो जनता के हित के फैसलों को लेना ही बंद कर देगी। तो ये जो राजनाथ सिंह की बात, जिन्होंने एक बार फिर से भाजपा की छिपी हुई इच्छा जाहिर की है, आप इस खेल को समझिए कैसे तानाशाही देश में बढ़ जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राज्यों के भी सेम चुनाव, देश का भी सेम चुनाव, प्रधानमंत्री भी एक ही टाइम पर चुना जाएगा और मुख्यमंत्री भी एक टाइम पर चुना जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद, चाहे किसी की भी सरकार हो, उसको बनने के बाद जो फैसले होते हैं उन फैसलों का असर अगले किसी चुनाव में, प्रदेश के चुनाव में होता है। सपोज करें अगर यूपी में चुनाव है, उससे पहले कोई सरकार ने फैसले ले लिया, उस फैसले से कई सारे चीजें जुड़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश के लोग वहां पर विद्रोह शुरू हो गया, अब इससे क्या होगा, सरकार थोड़ी सहम जाएगी, उस जो वो फैसला है उसको वापस भी ले लेगी, जैसे 3 कृषि कानूनों के वक्त हुआ। बहुत सारी राजनीतिक खबरों, आरोप प्रत्यारोप पर, मतदान की गड़बड़ियों पर इतना कंटेंट बन चुका है कि कई दफा तो विद्वानों के भांति भांति के आकलन देखकर ही खीज होने लगती है, अजीब सा लगने लगता है। कोई किसी की सरकार बना दे रहा है, कोई किसी के दावे ठोक रहा है, तो कोई किसी को किसी के लिए अपनी उसकी जीत के दावे ठोक रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का बाजार इन दिनों अलग से गर्म चल रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई सीजन ही उनका चल रहा है। अब देश में फेमस हुए कुछ एग्जिट पोल कंपनी के मालिकों के भी मीडिया में पिछले दिनों बयान सामने आए हैं, और इनको देखें तो एक बात तो साफ हो ही जाती है कि इस बार चुनावी विश्लेषक भी चुनाव परिणामों को लेकर कुछ भी साफ कहने से बच रहे हैं। ये स्थिति अंतिम चरण के करीब और आते आते और धुंधली होती जा रही है। एक्सेस माई इंडिया देश की एक बड़ी चुनावी सर्वे कंपनी है, उसके MD प्रदीप गुप्ता हैं, और इसी तरह एक और देश की बड़ी कंपनी है सर्वे कंपनी, उसका नाम है सी वोटर, इसके फाउंडर हैं यशवंत देशमुख। जहां ये दोनों चुनाव शुरू होने से पहले बीजेपी का बाजा फाड़ बहुमत से नवाज रहे थे, वहीं इन दिनों दोनों के सुर जनता के उत्साह को देखते हुए बदले हुए दिखने लगे हैं, और अब दोनों ने अपने इंटरव्यू में बीजेपी की हवा होने की बात ही खत्म कर दी है। प्रदीप गुप्ता ने एक निजी चैनल के साथ अपनी हालिया बातचीत में ये कह दिया है कि देश बहुत बड़ा है और यहाँ किसी राज्य में किसी की लहर है तो किसी राज्य में किसी की लहर है, आपको एक मुश्त पूरे देश में किसी एक शख्स की लहर नहीं है।
खैर अब ये तो वही बात हो गई कि उत्तराखंड जैसे 5 सीटों वाले राज्य में बीजेपी की लहर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का धुआं निकल गया है। ये साफ बताकर कौन धंधे में अपनी फजीहत मोल ले। जिन राज्यों में लहर थी वहां भी जनता ने सड़क पर अपनी मिजाज जो है बता दिया कि लहर इस बार किसी और की चल रही है। एक्सिस माई इंडिया के गुप्ता जी की ही तरह यही हाल यशवंत देशमुख का भी है, जो सी वोटर नाम की एक बड़ी सर्वे कंपनी चलाते हैं। यशवंत देशमुख ने हाल ही में ये कबूल किया है कि 25 से 30 सीटों पर यूपी में बीजेपी को इंडिया गठबंधन से कड़ी टक्कर मिल रही है। खैर दोनों ही चुनाव विश्लेषक 4 जून को जरूर राहत पा जाएंगे कि चलो रोज रोज के सच्चे झूठे आकलन से कम मुक्ति तो मिली, फन तो कटा। इन सब चुनाव विश्लेषणों में सबसे अहम बात एक और बड़ी चुनावी सर्वे कंपनी CSDS के सह निदेशक संजय कुमार ने कही है। संजय का कहना है कि 400 पार तो बस बीजेपी का नारा था। 2019 में एक राष्ट्र लहर थी और राष्ट्रवाद का मुद्दा खूब हावी रहा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने मतदान खत्म होने से पहले तमाम सर्वे कंपनी के सर्वों पर रोक लगाई रखी है, लेकिन हमने अपने पिछले शो में भी यही कहा था कि जमीन पर स्थिति इस बार उलट है और जनता ने बीजेपी के सारे मुद्दों को नकार कर रोजगार और सुरक्षित भविष्य के सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। संजय कुमार की बातों और जमीनी आकलन को जोड़ दिया जाए तब बीजेपी 250 सीटों पर ही इस बार तगड़ा संघर्ष करती दिखाई दे रही है। साफ है कि इस बार 2019 के 303 सीटों के जादुई आंकड़ों को छूना बीजेपी के बूते से बहुत बाहर की बात हो गई है। प्रधानमंत्री के भाषणों में रोज आ रही गिरावट भी इसी ओर इशारा कर रही है। जब कभी वो विपक्ष को अपनी 74 साल की उम्र में मुजरा करने की सलाह दे रहे हैं, तो कभी भारत की जनता को ही मुफ्त खाना दे रहा हूं जैसी बातें कहकर भिकमंगा बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। जब सब जगह अटकलों और उम्मीदों का ही बाजार सजा है, तो हमें लगा कि उस बाजार का भी जिक्र किया जाना चाहिए जहां एक एक सीट और पूरे देश पर ही दांव लगा हुआ है। अपनी चिलचिलाती गर्मी के लिए मशहूर राजस्थान के फलौदी की गर्माहट ने पूरे देश का चुनावी तापमान बढ़ा रखा है। इस बार मीडिया और चुनावी सर्वे के आकलनों पर रोक लगी हुई है, इसीलिए फलौदी सट्टा बाजार की देश में खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि यहां के लोग पीढ़ियों से सटीक आकलन के लिए मशहूर रहे हैं। हाँ, तो हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में चुनाव हो और इसका असर व्यापक तौर पर ना दिखे तो क्या ही चुनाव। इतने बड़े देश की सरकार जब हिलती या बनती है तो उसके साथ बहुत कुछ बन बिगड़ जाता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार स्तरहीन होते भाषणों और भाषा को पीछे छोड़ दें तो 4 जून का इंतजार बेसब्री से उन खिलाड़ियों को भी है जिनका दांव ही सरकार के बनने बिगड़ने और उसके फैसलों को देखकर ही चलता है। दरअसल मैं यहां सट्टा बाजार के खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के पास अगर अपना आकलन है तो बाजार के खिलाड़ियों के पास भी हवा के रुख को भांपने की वो काबिलियत बार बार नजर आ रही है या आती है जो भारत के भविष्य की धुंधली ही सही लेकिन एक तस्वीर पहले ही दिखा देते हैं। सटोरियों की दुनिया का हुनर भी कुछ ऐसा है कि उनके पास सरकार से भी बेहतर अंकगणित हर लोकसभा सीट और उसकी सामाजिक बुनावट का पहले से तैयार रखा हुआ है। जानकारों की माने तो बाजार का दांव हर दिन नेताओं की परफॉर्मेंस के हिसाब से घट और बढ़ रहा है और इस बार बीजेपी को बाजार के जानकार भी पिछड़ता हुआ ही मान रहे हैं। 6 चरणों के मतदान और तकरीबन 90% सीटों के निपट जाने के बाद बाजार का जो भाव चल रहा है उसने बीजेपी की टेंशन को थोड़ा और बढ़ा दिया है। अभी तक जो बीजेपी के लिए जमीनी माहौल विश्लेषकों के दावे और विपक्ष को मिल रहे अपार समर्थन से टेंशन ज्यादा थी, लेकिन अब मार्केट ने भी खतरे के संकेत भेजना शुरू कर दिया है बीजेपी को। मशहूर फलौदी सट्टा बाजार की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। लोग फलौदी सट्टा बाजार की इन खबरों को हवा दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन खबरों इन हवाओं को झुठला रहे हैं, लेकिन धुआं वहीं से निकलता है जहां आग होती है। बहरहाल चारों ओर से जो सुर इस वक्त हिंदुस्तान की राजनीति में सुनाई दे रहे हैं वो कहीं से भी दूर दूर तक बीजेपी के जीतने और सरकार बना ले जाने की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट बहुमत स्पष्ट सरकार बनाने का कोई भी आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ रहा है। हाँ ये बात जरूर है कि लोगों और राजनीतिक पार्टियों की चिंताओं में जरूर इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं ने इजाफा किया हुआ है। तभी तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल को वीडियो जारी कर मतदान के एक दिन पहले सचेत रहने के लिए गाइडलाइन जारी करनी पड़ गई। बीजेपी के लिए इलेक्शन कमीशन से ही शायद कुछ अच्छी खबरों की अब उम्मीद बाकी रह जाती है, वरना जमीन पर तो पत्ता साफ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।